आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। यूपी विधानमंडल शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। वहीं आज का दिन बेहद ही हंगामेदार होने की आशंका है। चर्चा के दौरान विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। जाहिर है कि सत्र के पहले दिन सपा विधायकों ने विधानसभा परिसर में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास जमकर हंगामा किया था। सपा के विधायकों ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे मुद्दों पर प्रदर्शन किया था। बता दें कि सत्र के पहले दिन यूपी सरकार ने 2022-23 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। यह साल का तीसरा सत्र है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, यूपी विधानमंडल शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है, क्या कुछ खास हो सकता है? देखिए मयूरी, जो है ये योगी सरकार 2.0 का पहला अनुपूरक बजट जो है वो कल सोमवार को पेश कर दिया गया था। विधानसभा में शीतकालीन सत्र का पहला दिन था और उस दिन अनुपूरक बजट पेश करने से पहले मुलायम सिंह यादव, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री रहे थे, उनको एक श्रद्धांजलि दी गई थी सदन में सभी के द्वारा। उसके बाद अनुपूरक बजट जो है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया था, जिसमें कुल 34,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि की घोषणा की गई थी और 14,000 करोड़ रुपए जो है नई परियोजनाओं के लिए इसमें पेशकश की गई थी। तमाम तरह की परियोजनाएं हैं मयूरी। आज मंगलवार को इस पर चर्चा होगी, सदन में चर्चा होगी और काफ़ी हंगामेदार आज के सदन की चर्चा हो सकती है, क्योंकि कल जो है समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक जो है सदन के पास जो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा है वहाँ पे धरने पे ही बैठे थे और सदन का कार्य जैसे ही खत्म हुआ तो वहाँ से समाजवादी पार्टी के जितने भी सदन में उपस्थित विधायक थे उसके बाद वो निर्वाचन आयोग गए थे शिकायत करने के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि कल जो है वोटिंग खत्म हुई थी तीनों सीटों पर जहाँ उपचुनाव हो रहे थे, तो आज जो है इस बजट पर काफ़ी चर्चा हो सकती है। और कल की जो बात की जाए वोटिंग परसेंटेज की, जो बात की जाए वोटिंग की बात की, जो कई तमाम तरह की गड़बड़ियाँ जो ईवीएम से गड़बड़ियाँ हुई या फिर समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने जो आरोप लगाए थे सरकार पे, उस पर भी जमकर हंगामा हो सकता है मयूरी। विवेक, चर्चा है कि विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है, तो सत्र में कौन कौन से मुद्दों को लेकर वो घेर सकती है? जी मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि सबसे पहला मुद्दा तो उपचुनाव का मुद्दा होगा। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी जो है, जो मुख्य विपक्ष है इस समय सदन की भाजपा की, वो उपचुनाव को लेकर घेरने की तैयारी में है, कि किस प्रकार से गड़बड़ियों का हवाला दे रही है, आरोप लगा रही है, इस पर सरकार को घेरेगी, क्योंकि कई बड़े आरोप लगे हैं बड़े नेताओं द्वारा समाजवादी पार्टी के। राजेंद्र चौधरी ने हमसे बातचीत में ही बताया था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो लोकतंत्र को निष्फल कर रही है, लोकतंत्र में वो विश्वास नहीं रखती, लोकतंत्र का हनन कर रही है, और इन तीनों उपचुनाव में बड़ा गंभीर मुद्दा ये बन के आज सामने आ सकता है। वहीं कुल 34,000 करोड़ की परियोजनाएं हैं, जिसमें 100 करोड़ रुपये स्टार्टअप के लिए रखे गए हैं, 8,000 करोड़ रुपए इसमें रखे गए हैं जो इंडस्ट्रियल पार्क हब बनाने के लिए रखे गए हैं, और सबसे मेन मुद्दा जो फरवरी में 10 से 12 फरवरी तक जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है उसके लिए अलग से 296 करोड़ रुपए रखे गए हैं, और जो माघ मेले में प्रयागराज में जो महाकुंभ उसके लिए अलग से बजट रखा गया है, और 2,000 करोड़ रुपये सड़कों के लिए अलग से बजट रखा गया है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी थी, दूसरे कार्यकाल में आने से पहले जब चुनाव हुए, तो अपने चुनावी पत्र में यह वादा किया था कि छात्रों को वह लैपटॉप का वितरण करेगी, उसके लिए भी बजट की घोषणा कल की गई थी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि स्टार्टअप के लिए सिर्फ 100 करोड़ का ही बजट दिया गया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के बाद जो है वो अगर भारत की अर्थव्यवस्था को किसी ने संभाला है तो एमएसएमई सेक्टर और स्टार्टअप ने संभाला है। हमारी कई भारतीय कंपनियां जो है वो यूनिकॉर्न हुई है कोरोना के बाद, अपनी एक नई पहचान बनाई है, तो सिर्फ 100 करोड़ रुपया उसके लिए बजट रखना ये एक गंभीर मुद्दा वहाँ से बन सकता है मयूरी। विवेक, अनुपूरक बजट को लेकर क्या कुछ मंथन हो सकता है? मयूरी, अनुपूरक बजट को पेश कर दिया गया है कल और आज इस पर चर्चा होनी है। कुल 34,000 करोड़ का भारी भरकम बजट है,
जिसपे सरकार जो है कई नई परियोजनाओं का पिटारा भी खोल चुका है। आज इन परियोजनाओं पे काफ़ी चर्चा होने वाली है। विपक्ष का काम यही होता है कि सरकार की जो बजट है उस पर थोड़ी सी कमियां देखे, उसको निकाले और सदन में इस पर चर्चा करे। सरकार अपने बजट को लेकर अपनी प्राथमिकता दिखा चुकी है, नई परियोजनाओं को बता चुकी है। जैसे मैं बता चुका 2000 करोड़ रुपये सड़कों के लिए रखे गए हैं, तो सड़कों की स्थिति, बढ़ती महंगाई की स्थिति, विकास का मुद्दा ये विपक्ष जरूर उठाएगा। और एक सबसे बड़ा मुद्दा उपचुनाव को, ये सबसे पहली प्राथमिकता विपक्ष की होगी, क्योंकि इस अनुपूरक बजट में उसको ज़्यादा खामियां नहीं अगर मिलती हैं तो वो सबसे बड़ा मुद्दा यही उठाएगा कि उपचुनाव में किस प्रकार से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, जो आरोप लगते गए थे उसका सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे उठाया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि 8000 करोड़ रुपये इंडस्ट्री पार्क हब के लिए रखे गए हैं। वहीं जो केंद्र सरकार है, जो उसकी योजनाएं हैं, चाहे वो मातृत्व कल्याण की योजनाएं हो, चाहे वो मुफ्त राशन की योजनाएं हो, इन सब केंद्र की परियोजनाओं के लिए भी अलग से इस बजट में प्रावधान भी किए गए हैं। मयूरी जी, धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आज परिनिर्वाण दिवस है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीएसपी कार्यालय में बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सतीश चंद्र मिश्रा समेत बीएसपी के कई नेता मौजूद रहे। बहुजन समाजवादी पार्टी मंडल स्तर पर अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस मना रही है। भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश को पूर्ण जनहितैषी, कल्याणकारी व समतामूलक संविधान देकर धन्य करने वाले परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके परिनिर्वाण दिवस पर शत नमन। उन्होंने हर मामले में बेहतरीन संविधान देकर भारत का नाम देश दुनिया में जो रोशन किया है, वह अनमोल, देश उनका सदा आभारी रहेगा। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आज परिनिर्वाण दिवस है, वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर तमाम बातें कही हैं, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? कि आज संविधान के जो हम निर्माता कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका परिनिर्वाण दिवस है, तो बसपा की सुप्रीमो मायावती ने अंबेडकर पार्क में उनकी जो प्रतिमा है वहां माल्यार्पण किया, उनको नमन किया, उनको श्रद्धांजलि दी। और ट्वीट करते हुए जो सरकारें हैं उन पर एक खासा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि संविधान के निर्माता रचयिता ने जिस संविधान की परिकल्पना की थी, उस संविधान के इतर जो हैं आज तक की सरकारों ने काम किया है। अगर संविधान के हिसाब से आज तक की सरकारें कामें करती तो देश में भुखमरी, जो करोड़ों गरीब लोग हैं, जो भुखमरी के शिकार हैं, जो गरीबी के शिकार हैं, उनको उन चीज़ों से गुजरना नहीं पड़ता। अगर संविधान के अनुसार काम होता तो देश को आगे ले जाने में जो विफलता हुई है, जो नीचे तबके का समाज है उसको आगे बढ़ाने जो विफलता हुई है, ये सारी चीज़ें ये कारण नहीं होते और देश का नीचा तबका भी आज सुखी और संपन्न होता है, ऐसा उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है। मयूरी जी, विवेक, बहुजन समाजवादी पार्टी मंडल स्तर पर अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस मना रही है और क्या कुछ कार्यक्रम है आज? देखिए, इस कार्यक्रम की तैयारी जो है कल से ही शुरू कर दी गई। राजधानी लखनऊ में हर जगह पे बसपा सुप्रीमो की तरफ से कई प्रकार के आयोजन कराए गए थे और अंबेडकर पार्क में आज उन्होंने श्रद्धांजलि दी, उसके बाद उनको नमन किया और कई प्रकार के ट्वीट करके जो है अब तक की सरकारों को घेरा है। तो आज का पूरा दिन जो है बसपा जो है अंबेडकर जी को याद करते हुए उनके नमन करेगी और जो उनकी परिकल्पना थी, जो निचले तबके लोगों के लिए उनकी परिकल्पना थी, जो उनकी सोच थी और जो भी उन्होंने संविधान में हर वर्ग का जो ध्यान रखा है उसको लेके आज चर्चा की जाएगी और उनके जो संविधान में उनकी जो बातें हैं, जो संविधान में लिखा गया है उस पे जो है लोगों तक तो अपनी बातें पहुंचाएगी। और जो दलित समुदाय है, जिसके मसीहा माने जाते हैं, अंबेडकर जी माने जाते हैं,
उसको लेके उनकी परिकल्पना को लेके चर्चा की जाएगी। जैसा उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि निचले तबकों और दलितों के लिए इस देश की जितनी भी सरकारें हैं उसने ढंग से काम नहीं किया, जिसकी वजह से अब वो आज भी जो है गरीबी की रेखा में जी रहे हैं, गरीबी का जीवन यापन कर रहे हैं, करोड़ों लोग भुखमरी से शिकार हो रहे हैं। उन्होंने हंडर इंडेक्स का भी जिक्र किया था कि जिस प्रकार से भारत का स्तर जो है हंडर इंडेक्स में लगातार गिर रहा है, तो एक चिंता का विषय है। मयूरी, धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। अब तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।